हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स डेट है आज 30 अक्टूबर और देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो है, तो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो पहली न्यूज़ है जीएसटी एस तो देखिए क्या कंटेक्सट है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया है फोर्टी करोड़ टू द स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के लिए विथ लेजिस्लेचर अंडर द बैक टू बैक लोन फैसिलिटी इन ली ऑफ जी एस तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि सब्सिक्वेंट टू द फोटी थर्ड जी मीटिंग काउंसिल जो कि हुआ था ट्वेंटी एथ मई दो हजार इक्कीस को इट वाज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बोरो वन पॉइंट फाइव नाइन लाख करोड़ तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी वन पॉइंट फाइव नाइन लाख करोड़ और रिलीज करेगी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के लिए और लजिस्लेचर्स जो ऑन बैक टू बैक बेसिस टू मीट द रिसोर्स गैप ड्यू टू द शॉर्ट रिलीज ऑफ कंपनसेशन तो एक तरह से जो सेंटर है वो रिलीज़ करेगी ये पैसा किसके लिए स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरेटरीज़ के लिए उनको कम्पनसेट करने के लिए तो देखते हैं जीएसटी एस के बारे में जीएसटी के पहले स्टेट्स के पास ये पावर थी जैसे जीएसटी आया 2017 में तो उसके पहले जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेटरीज हैं तो उनके पास ये पावर थी कि वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं इकनॉमिक एक एक्टिविटी जो भी होती हैं स्टेट में जो भी इकनॉमिक एक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उससे जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो स्टेट खुद करती थी लेकिन आफ्टर जी एस टी जब आई उसके बाद से ये काम जो है वो सेंटर का हो गया तो सीधी सी बात है जो स्टेट का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी तो वही चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मींस वही जो स्टेट का जो पावर था ये कलेक्शन करने का तो वो टैक्स कलेक्शन करने का जो पावर था वो चला गया सेंटर के पास तो जो सेंटर है उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्योंकि स्टेट्स को लॉस हो रहा था तो कंपनसेट करने के लिए ये पैसे रिलीज करती है तो द कंपनसेशन इज़ कैलकुलेटेड एट द ग्रोथ रेट ऑफ फोर्टीन परसेंट और उसका जो बेस ईयर माना गया वो माना गया दो हजार पंद्रह और दो हज़ार सोलह का एंड बाई लिवाइंग ए कंपनसेशन सेस ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स तो जो, जो उसका बेस ईयर था कंपनसेशन का उसको लेके माना गया कि दो हजार पंद्रह और सोलह इसका बेस ईयर होगा और ये न्यूज़ आपको जी सेकंड के सेकेंड पेपर में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसमें काम आएगी सेकेंड न्यूज़ आती है कि चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन ताजाकिस्तान तो देखिए ताजाकिस्तान ने अप्रूवल दे दिया है कि चाइना को कि ठीक है आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बेस बना सकते हैं क्योंकि चाइना और ताजाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था तो उसी को ले लेकर जब एग्रीमेंट के बाद जो है अब ये डिसाइड हो गया तो अप्रूवल दे दिया तजाकिस्तान ने चाइना को कि ठीक है आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ये एग्रीमेंट एगरिमे, एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था चाइनाज पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा एंड नॉट द चाइनीज मिलिट्री ये चाइनीज मिलिट्री के द्वारा नहीं साइन किया गया ये साइन किया गया था चाइनाज पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा विच सजेस्ट अ फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म राइजिंग कंसर्न ओवर इंस्टेबिलिटी इन नेबरिंग अफगानिस्तान द न्यू बेस वुड बी ओन बाय तजाकिस्तान से रेपिड रिएक्शन ग्रुप और ये जो नया बेस बन रहा है वो किसके द्वारा ओन किया जाएगा तो वो ओन किया जाएगा तजिक, जो ताजाकिस्तान की रेपिड रिएक्शन ग्रुप है उसके द्वारा और इसको फाइनेंस करेगा चाइना फॉर अ कॉस्ट ऑफ टेन मिलियन डॉलर तो टेन मिलियन डॉलर की कॉस्ट से इस चीज़ को फाइनेंस करेगा चाइना और ये लोकेटेड होगा ईस्टर्न गोरनो बदाकशन में जो कि ऑटोनॉमस प्रोविंस है नियर पामिर माउंटेंस एंड चाइनीज ट्रूप्स विल नॉट बी स्टेशन हियर और यहाँ कोई भी चाइनीज जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे तो तजाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एग्रीड किस चीज़ के लिए एग्री की है टू तो ट्रांसफर फुल कंट्रोल अफवामो सोवियत बेस नियर द चाइना तजाकिस्तान और अफग, अफगानिस्तान इन तीनों के बीच में एक ट्राई जंक्शन बनाने के लिए एंड द वखान कॉरिडोर देखिए वखान कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेयर चाइना शेयर से लेस देन हंड्रेड किलोमीटर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान जहाँ चाइना जो है लगभग लगभग लग सौ किलोमीटर की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है ये न्यूज़ जो है आपको जी एस सेकेंड पेपर के इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगी थर्ड न्यूज़ आती है हमारी कन्वर्टिंग सीओ टू टू तो मेथेन तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फोनो फोटोकेमिकल मेथड को डिज़ाइन किया या फोटो कैटलिस्ट बोल सकते हैं फोटो कैटलिस्ट फोटो मीन्स लाइट जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन में मीन्स ऐसा फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो ऐसा फोटोकेमिकल मेथड है जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मेथेन में ए फोटोकेमिकल मेथड इज़ ए केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाई द एब्जॉर्बशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो जो एनर्जी का ऑब्जॉर्ब्शन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा ए पॉलीमर हैज बीन डिजाइन टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट एंड कैटेलाइज द रिएक्शन विच रिड्यूसेस सीओ टू जो सीओ टू को क्या करेगा रिड्यूस कर देगा मोस्ट कैटलिस्ट कंटेन टॉक्सिक्स एंड एक्सपेंसिव मेटल काउंटर पार्ट्स जो ज़्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और वो उसमें जो महंगे मेटल हैं महंगी जो धातुएं होती हैं वो उसमें उपयोग में लाई जाती हैं देर फो साइंटिस्ट डिजाइंड ए मेटल फ्री पोरस ऑर्गेनिक पॉलीमर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक तो इसी चीज़ से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा पॉलीमर डिज़ाइन किया जो मेटल फ्री होगा दिस मेथड यूज सोलर लाइट एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो मेथड है वो सोलर लाइट को यूज़ करता है एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं सिग्निफिकेंस है कि मेथेन कैन बी वन ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विद सिग्निफिकेंस यूज एज अ क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इन अ फ्यूल सेल्स एज ए हाइड्रोजन कैरियर तो जो मेथेन है वो हमारा क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस ये नेचुरल गैस का जो है मेन कंपोनेंट है एंड हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस कोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम लोग कोयले की हेल्प से जो बिजली का उत्पादन करते हैं तो उस चीज़ में भी हेल्प करेगा उसको कम करने के लिए एंड फर्निशिंग फ्लेक्सिबल सप्लाई टू री इन्फोर्स इंटरमीनियंट रिन्यूएबल जनरेटर्स अब देखते हैं कि मिथेन के बारे में कुछ जान लेते हैं तो मिथेन इज अ गैस फाउंड फाउंडिन स्मॉल क्वान्टिटी इन अर्थ एटमोसफियर अर्थ एटमोसफियर में जो है ये स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल है और यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है जो कंसिस्ट करती है वन कार्बन एटम और फोर हाइड्रोजन एटम सी एच फोर ही बोलते हैं मिथेन एक पावरफुल जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि फ्लेमेबल है एंड इज यूज एज अ फ्यूल वर्ल्ड वाइड और इसको मेथेन को हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं मेथेन इज प्रोड्यूस बाई द ब्रेक डाउन ऑफ डी के ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है तो कोई भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स है तो जब वो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हुआ या कोई भी चीज़ हुआ तो जब वो डीके करता है तो उससे मेथेन रिलीज़ होती है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द एटमोस्फियर बाई अदर नेचुरल प्रोसेस जैसे नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा डी ऑफ प्लांट मटेरियल्स या सीपेज ऑफ गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स और द डायशन ऑफ फूड बाई कैटल तो इन सब चीज़ों से जो रिलीज़ होगा वो मेथेन गैस रिलीज होगा और वो एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे रिलीज़ होगा तो इसे ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम रिलीज़ होता है या राइस फार्मिंग के टाइम रिलीज़ होता है या जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उस टाइम भी मेथेन रिलीज होता है ये टॉपिक आपको जीएस थ्री के इन्वायरमेंट में काम आएगा अब देखते हैं फोर्थ न्यूज आती है एटीन इंडिया एशियन समिट तो इंडिया और आसियान की अठारहवीं जो समिट है ये हुई तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए इन द एटीन एशियन समिट एट द इनविटेशन ऑफ इज मैजिस्ट्री सुल्तान हाजी हंसल बोलकिया ऑफ ब्रूनी द करेंट चेयर ऑफ आसियान जो इस समय करंट चेयर है आसियान के हाईलाइटिंग द माइल स्टोन एनिवर्सरी ऑफ इंडिया आसियान पार्टनरशिप द लीडर अनाउंस द ईयर 2022 एज इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर तो 2022 हजार बाईस के जो साल है उसको इंडिया और आसियान का एक फ्रेंडशिप ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा बिल्डिंग अपॉन द सीजीज बिटवीन द एशियन आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक एंड इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आई पी ओवाई पी एम एंड एशियन लीडर्स वेलकम द एडोपन ऑफ इंडियन एशियन ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन कॉपरेशन फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन तो ये जो समिट हुआ इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो पीस है स्टेबिलिटी है जो प्रॉस्पेरिटी है तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी एक्सचेंज वी ऑन इन्हेंसिंग इंडियन एशियन कनेक्टिविटी इन ब्रॉडेस्ट टर्म्स इंक्लूडिंग फिजिकल डिजिटल एंड पीपल टू पीपल तो जो ये कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में वो बढ़ाई जाएंगी चाहे वो डिजिटली डिज, तरीके से हो चाहे फिजिकल तरीके से हो तो ये कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी कवरिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड कंसर्न इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी एंड टेरिज्म और इस मीटिंग में जो है ये साउथ चाइना सी के इशू को और टेरिज्म के इशू को भी कंसिडर किया गया नोटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग ए रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन इंक्लूडिंग थ्रू अपहोल्ड एडरेंस टू इंटरनेशनल लॉ स्पेशली द अनक्लोज ए फॉर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग पीस ये इसके थ्रू हम पीस को प्रमोट करेंगे स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी देखेंगे साउथ चाइना सी में एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट तो ये न्यूज़ जो है आपको जी एस सेकेंड पेपर में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फ्लोरा देर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट में हेल्पफुल होगा